नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि पेंशनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 6,35,000 पेंशनों को मिल गई है बड़ी सौगात। 280 करोड़ की राशि जारी, खाते में इतनी बढ़कर आएगी पेंशन। तो दोस्तों, जो कर्मचारियों को खुशखबरी मिली है उसके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के लाखों पेंशनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम जयराम ठाकुर ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत करीब 6,35,000 पेंशनों को खाते में 280 करोड़ रुपए की 3 माह की पेंशन ट्रांसफ़र कर दी है। खास बात यह है कि सीएम द्वारा पेंशनों के खाते में बढ़ी हुई पेंशन ट्रांसफ़र की गई है। दोस्तों, दरअसल सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण कार्यक्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 6,35,375 लाभार्थियों को 280 करोड़ रुपए की 3 माह की पेंशन ट्रांसफ़र की। उन्होंने हिमाचल के अस्तित्व में आने के बाद 75 वर्ष के उपलक्ष्य पर 75 लाभार्थियों को पेंशन वितरित की। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अप्रैल मई जून माह की बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा पेंशन पात्र लोगों के खाते में ट्रांसफ़र की गई है। पेंशन धारकों को अब 3 माह की पेंशन वर्ष में 4 बार सीधे उनके खाते को प्राप्त हो सकती है। वर्तमान बजट में चालू वित्तीय वर्ष में बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को 60 वर्ष किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पेंशनधारक जिन्होंने प्रतिमाह 880 रुपये मिल रहे हैं उन्हें अब 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसके अलावा सभी पेंशन जिन्होंने 1,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं उन्हें 1,150 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे और 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनों को 1,700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि 60 से 65 वर्ष की महिला भी बिना किसी आय सीमा के अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र है। उन्होंने कहा है कि इस पर 1,300 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने पर 3,052 करोड़ रुपए व्यय किए हैं, जो अपने आप में एक कार्तिक मान है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।